अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे एंड फिट फाट होंगे। टुडे आई एम गोना मेक अ फेस पैक जो कि एक्नी वाली स्किन के लिए है, जिनकी स्किन पे ओपन पोर्स हैं या फिर उनकी स्किन पे एक्नी मार्क हैं, एक्नी की वजह से उनकी स्किन ख़राब हो चुकी है, एक्नी ब्लेमिशेस हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। जो एक और बात मैं आपको इनिशियली बताना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। तो जी करण, बात ये करनी थी कि अगर आप लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं तो फिर आपको प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ता है। प्रोडक्ट क्या, क्योंकि हमारे स्किन पे अगर वो अच्छी सूटेबल हो जाए तो ऐसा कम ही होता है, लेकिन जो महंगी वाली होती हैं वो कुछ अच्छी होती हैं। लेकिन जो आजकल हमारी मार्केट में क्रीमें वगैरह आ रही हैं, इसमें मरकरी के ज़रात और ये सारी चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, जिससे स्किन अच्छी होने की बजाय ख़राब ही होती हैं। तो बात करने का मकसद है, अगर आप लोग टोटके वगैरह की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा अरसे तक पड़ता है। अगर आप चाहें कि मैं 2-3 दिन इस्तेमाल करूं तो मेरी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आपको फ़ायदा देती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आपको नुकसान नहीं देती हैं। तो अगर आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम इनको देना पड़ता है, और ये जब आपके चेहरे पर असर कर देती है ना, तो ये फिर लाइफ टाइम होता है, ये आपका ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए कहना ये था कि अगर आप इस फेस पैक को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसको 15 दिन जो है डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है, उसके बाद 2 दिन के बाद, फिर उसके बाद 3 दिन, मतलब कि ऐसे ही आप तकरीबन 2 महीने इसको दें, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करें। ये है कि क्रीम भी तो आप इस्तेमाल करते ही हैं, जो कि आपकी स्किन का वैसे ही बेड़ा गर्क करती है। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप जो है ये सादी चीज़ें इस्तेमाल करें, ताकि आपको देर पा फ़ायदा और नुकसान आदि कोई ना हो। ये एक मेरा मुफ्त का मशवरा था, रख लें। अच्छा जी, चलते हैं आपने फेस पैक को बनाने की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए दही, लेमन और रोज़ वाटर। अगर हमें ज़रूरत हुई, मतलब पेस्ट अगर हमारा ज़्यादा थिक हुआ तो हम उसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे, अगर ना हुआ तो हम नहीं करेंगे। इसके साथ हमें एलोवेरा जेल चाहिए और मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो मुल्तानी मिट्टी ली है ना, ये जी ने मैंने कॉस्मेटिक शॉप से बाय की थी। और एलोवेरा जेल जो है, एलोवेरा जेल भी आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि आप इसमें, क्योंकि हम फौरी तौर पे बनाएंगे और फौरी तौर पे लगा लेंगे, स्टोर नहीं करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो बाजारी एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप जो प्लांट से ताज़ी वगैरह लेके यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। एक ले लेनी है हमने मुल्तानी मिट्टी, ये देखिए, ये तकरीबन 1 चम्मच होगी। इसके अंदर हमने इतनी ही दही की मिकदार इस्तेमाल करनी है। चीज़ों की मिकदार जो है ना, वो उसके असर करने पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम लोग मिकदार नहीं देखते, बस देख लेते हैं ये डलना है वो डलना है, चल भाई वीडियो बंद कर दी। तो मिकदार भी देख लिया करें ताकि अच्छे तरीके से फ़ायदा हो। और इसमें हमने डाल लेनी है एलोवेरा जेल। तो मेरा गंदा ही हो गया, चलो मैं काम चला लेती हूँ। इतनी सी हमने इसमें एलोवेरा, जो कि 1/2 चम्मच है, एलोवेरा जेल डाल देनी है। उसके साथ ही मैं जल्दी जल्दी लेमन जूस, इसमें 1 लेमन जो है ना 1/2, उसका ये जितना सा भी जूस निकला है ना, वो हमने इसमें डाल देना है। अब इसको पेस्ट को बना के देखते हैं। अगर तो ये हमारा क्रीमी पेस्ट बन गया है ना, तो बस ठीक है, इसमें हम रोज़ वाटर नहीं ऐड करेंगे। और अगर क्रीमी पेस्ट नहीं है तो हम रोज़ वाटर भी ऐड करेंगे। तो जी हमारा ये ऑलरेडी क्रीमी पेस्ट बन गया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको चेहरे पे अप्लाई करना है, और 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। 20 मिनट्स के बाद हमने फ्रेश वाटर के साथ चेहरा वॉश कर लेना है। और ये तरीका जो है, हमने 15 दिन तक ये पैक हमने डेली तौर पे लगाना है। इससे ये होगा कि हमारी ऑयल जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, हमारे ब्लेमिशेस जो हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, और हमारी एक्नी ग्रो नहीं करेगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। और ये हमारी जो है, आप सैलरी के एक्नी वाले लोग जो है ना, और ऑयली स्किन वाले, उनकी सारी मुसीबतों का यही हल है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और इसको अप्लाई करने के बाद मुझे बताइएगा कि कैसा आपके चेहरे पे असर किया है, अच्छा है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कुछ और बता दूंगी, और अगर अच्छा है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। ओके, स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़।